कौन है? खोले भाभी। अरे बिस्मा, तुम अकेली पागल हो गई हो? इतनी रात को अकेले आई हो तुम? कम से कम मुझे बता देती, मैं तुम्हें लेने आ जाती अगर राहिम को इतनी तकलीफ हो रही थी रात के इस पहर तुम्हें छोड़ने की। नहीं भाभी, रहम ने मुझे नहीं निकाला, मैं तो खुद छोड़कर आ गई उसे। और दुनिया वालों का क्या है, वो तो बातें बनाते रहेंगे। अच्छा परेशान मत हो, चलो अंदर। बॉस साहब ने मुझे बुलाया। हाँ, तुम घर गए थे, तुम वापस क्यों आ गए? कहाँ चला गया था, कहाँ चला जाऊंगा कुछ नहीं पता। ऐसे नहीं चलेगा राहिम, कब तक घर से भागते रहोगे? मर्द बनो और अपने मामलात को फेस करो, उन्हें रिजॉल्व करो, और अगर खत्म करने हैं तो खत्म कर दो। काश ये सब उतना आसान होता जितना आप कह रहे हैं। मैं समझ सकता हूं, लेकिन इनका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी तकलीफ दे हो। जी बस। देखो रहीम, जो भी हो मैं तुम्हारा बॉस जरूर हूं, लेकिन एक दोस्त होने के नाते से तुम्हें समझा रहा हूं, और जो कुछ मैं तुम्हें समझाऊंगा वो तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। 100 मुंह 100 बातें, ये जितने ऑफिस वाले हैं ना सब तुम्हें इस हालत में देखकर हंसते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, बुरी बात है। घर की बात घर में रहनी चाहिए। जी बस, इफ यू डोंट माइंड, मैं 2-3 दिन के लिए ऑफ ले लूं। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, यू शुड। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, मुझे नहीं लगता कि तुम ड्राइव करने की सिचुएशन में हो, और 2-3 दिन के लिए ऑफिस में।